हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड। सेशन 2017 से 20 के लिए पार्ट टू का प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर को जारी कर दिया गया है बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर मैंशन कर दिया है प्रायोगिक परीक्षा 52 केंद्रों पर, यानी कि फ्रेंड इसका पार्ट टू का प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा आपको 52 केंद्रों पर लिया जाएगा। तो इसका लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और आपका कल से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 52 सेंटर जो जारी किया गया उसका पूरा लिस्ट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक देखेगा वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी पार्ट टू के प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में दिया गया है प्रायोगिक परीक्षा 52 केंद्रों पर लिया जाएगा आपका पार्ट टू का। तो चलिए पूरी खबर को आपको पढ़कर दिखाते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको पूरा सेंटर जो एग्जाम सेंटर जो है इसका पार्ट टू का प्रैक्टिकल उसका पूरा लिस्ट दिखाने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। स्नातक पार्ट टू की प्रायोगिक परीक्षा 18 से 25 नवंबर तक चलेगा, यानी कि आपका जो पार्ट टू का प्रायोगिक परीक्षा 18 से 25 नवंबर तक लिया जाएगा। इसके लिए 5 जिलों में 52 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र व परीक्षा का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि जहां से परीक्षा फॉर्म आ गया है उनका प्रवेश पत्र तैयार कर भेजा जा रहा है, यानी कि आपका यहां पर प्रवेश पत्र भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 14 कर्मचारियों को लगाया गया है। प्रायोगिक परीक्षा 25 नवंबर तक चलेगी, इसके बाद थ्योरी की परीक्षा स्टार्ट होगी, यानी कि फिर आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी का एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड को यहाँ पर 14 कर्मचारियों को लगाया गया है। एडमिट कार्ड की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 26 नवंबर से पार्ट टू की थ्योरी की परीक्षा शुरू करा दीजिए। तो जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रैक्टिकल के बाद जस्ट 26 नवंबर से पार्ट टू का थ्योरी परीक्षा भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं जो जो आपका 52 केंद्रों पर परीक्षा लिया जाएगा उसका लिस्ट जारी किया गया, उसको आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ सेंटर एंड यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है और नेम ऑफ सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 52 केंद्रों का दिया गया है पूरा, यहाँ पर 3 पेजों में दिया गया है, सीरियल बाई सीरियल दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर कॉलेज का नाम है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर, और ये सब्जेक्ट दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी साइकोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द सेंटर यानी सेंटर यहाँ पर दिया गया है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर का गया है IL कॉलेज मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर सेकंड में ऑल रिमेनिंग कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में इस पिक्चर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ये पेज में आपको यहाँ पर 18 कॉलेजों का दिया गया है सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का नोटिफिकेशन है, और इसके बाद यहाँ पर 19 से दिया गया है, 19 से इसमें आपको 38 कॉलेजों का इस पेज में दिया गया 19, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में आपको दिया गया है 39 से 52, यानी कि पूरा 52 केंद्रों पर आपका परीक्षा लिया जाएगा प्रैक्टिकल का पार्ट टू का। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 15/11/2019 को ही जारी किया गया है डेट में, और नीचे आप देख सकते हैं मेमो नंबर दिया गया है, और यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन दिया गया है। ये आपको बिल्कुल अपडेट बता रहा हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का ये नोटिफिकेशन है पार्ट टू का प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर का। तो फ्रेंड आप लोग अच्छी तरीक़े से देख लीजिएगा इसके इसे, और तो फ्रेंड आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर अच्छी तरीक़े से देख लीजिएगा। और फ्रेंड वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।